Hi friends, welcome to MBA Beginner Channel, जो कि YouTube की एक one of the most trusted and unbiased channel है. देखिए जो आज का हमारा topic रहेगा वो रहेगा principles of administration. ठीक है, principles of administration जो है ये वही principles है जो कि principles of management है, यानी कि Henry Fayol जो है इसके 14 principles. बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में कम से कम 8 मार्क्स का आता ही आता है. ठीक है, या तो इसमें से 2 मार्क्स का कोई पूछा जाएगा, इसमें से जो इसके जो 14 प्रिंसिपल्स है उसमें से कोई प्रिंसिपल पूछा जाएगा 2 मार्क्स का और उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लेकिन आता ये हर एग्जाम में. ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा. ठीक है, पहले ही हमने कंप्लीट कर दी है. ठीक है, पहले ही हमने क्या कंप्लीट कर दिया, CRM की सीरीज हमने कंप्लीट कर दी है, जिसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिलेगी और प्लेलिस्ट सेक्शन में भी आप वो देख सकते हैं. और दूसरा जो है हमने सीरीज कंप्लीट कर ली है एक्सपोर्ट मैनेजमेंट की, उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिलेगी और प्लेलिस्ट सेक्शन में भी आप देख सकते हैं. और जो हमारा अब की सीरीज चल रही है वो है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन. इससे पहले ही हमने कौन से टॉपिक्स के पढ़े, हॉस्पिटल की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल्स, फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल्स, ये हमने पढ़े हैं. इसके भी लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिलेगी या आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं. ठीक है, तो जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. यहाँ पे मैं बता दूं, देखिए जैसे मैं आपको, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, ठीक है, कुछ जो रूल्स है वो नीचे गए हैं, कुछ रूल्स ऊपर आए, तो यहाँ पे हैफजर्ड मैनर में ये थोड़ा सा हुआ है. तो इसीलिए आपको जैसे मैं कहूँगा आप पेन उठाएंगे, पेन और पेपर उठाएंगे, जो भी मैं कहूँगा वैसे ही लिखेंगे. ठीक है, मैं कोशिश करूँगा इनको डिफाइन करने की भी अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी और उर्दू में भी आपके लिए, ताकि आपको जो है काफ़ी अच्छे से ईजी वे में समझ आए. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जैसे मैं कहूँगा वैसे ही आपको तरतीब देना, तरतीब इन द सेंस उसी अंदाज से आपको लिखना है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसको हम दूसरे नाम से कहते हैं, हेनरी फेयोल्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. और ये प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को हम कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी. ठीक है, हेनरी फेयोल जो है इसको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहा जाता है. ठीक है, तो इन्होंने ही जो है ये 14 प्रिंसिपल्स जो है बनाए थे. इसमें जो पहला ही है वो है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर रिलेटेड. ठीक है, ये जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ इनमें, तो आप यहाँ पे ध्यान नहीं देंगे, जैसे मैं आपको रिपीट कहूँगा वैसे ही आप लिखते जाएंगे कॉपी पे. ठीक है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर रिलेटेड. मैं आपके लिए पहले थोड़ा सी इसकी डेफिनेशन बता दूंगा अंग्रेजी में, फिर मैं वही ट्रांसलेट करने की कोशिश करूंगा. ठीक है, तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर रिलेटेड, इसका मतलब क्या है, फेयोल हेल्ड दैट अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी. Managers who exercise authority over others should assume responsibility for decisions as well as for results. He regarded authority as a corollary to responsibility. तो अगर मैं आपको सिंपल भाषा में कहूँ तो हेनरी फेयोल ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो अथॉरिटी है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इंटरलिंक्ड है. ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई मैनेजर जो है उसने कुछ ऑर्डर्स दिए और वो फेल हो जाता है, ठीक है, वो डिसीजन जो उसने कुछ दिए वो फेल हो जाता है उसमें, तो उस वक्त भी वो मैनेजर ऐसा ही होना चाहिए अगर फॉर एग्जाम्पल कि वो सारी जिम्मेदारी अपने पे ले और कोशिश करे अगली बार वो उससे भी अच्छा जो है रिजल्ट दे सके. ये नहीं कि अगर फेल हुआ तो अपने सबऑर्डिनेट्स पे डालेगा, अगर अच्छा रिजल्ट आया तो अच्छा डिसीजन उसका जो साबित हुआ तो वो अपने ऊपर लेगा, नहीं. तो हेनरी फेयोल ने क्या कहा, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर रिलेटेड. अगर फॉर एग्जांपल कोई भी मैनेजर जो है उसको लग रहा है कि यहाँ पे जो है मेरा सबऑर्डिनेट इसके बदले या हमारा जो है ये डिसीजन फेल हुआ, तो उसको एक्सेप्ट कर ले, अपने जिम्मे पे ले, ये नहीं कि सबऑर्डिनेट्स पे ठोके. हाँ, अगर फॉर एग्जांपल अच्छा खासा हो रहा है तो थोड़ा सा सबऑर्डिनेट्स को भी कोशिश करे, उनको भी अच्छा खासा, मतलब हम कह सकते हैं उनको भी थोड़ा सा बूस्ट अप करे. ठीक है, तो दूसरा जो है इसका प्रिंसिपल वो है यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी ऑफ कमांड मतलब क्या होता है, इट मीन्स दैट वर्कर्स शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर, देयर शुड नॉट बी मल्टीपल बॉसेस. एन एम्प्लॉय वर्किंग अंडर वन बॉस कैन गिव गुड रिजल्ट्स, बट अंडर टू और मोर बॉसेस ही विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म वेल. तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि एक वर्कर जो है या कुछ वर्कर जो है ये एक ही बॉस के अंडर काम करे. जैसे कि आज के वक्त हम देख रहे हैं कि टीम लीडर होता है उसके अंडर कम से कम आठ 10 15 20 बंदे होते हैं. ठीक है, टीम लीडर के ऊपर फिर मैनेजर होता है, तो ऐसे ही जो है चलता रहता है. तो उन 8 बंदों का जो है लीडर वो टीम लीडर होता है, और उस टीम लीडर का जो लीडर होता है वो बॉस मैनेजर होता है. तो
इसी तरह ये सर्कल चला रहता है, ठीक है। तो यही फयोल ने भी कहा था, क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था, ठीक है, पहले जो भी होता था बॉस बन के बैठता था, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा सा चेंजेस आए। तो अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं कि कुछ लोगों पे एक बॉस होता है, फिर उस बॉसेस, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको कहा आठ आठ ग्रुप्स के पाँच ग्रुप्स है, उनके पाँच बॉसेस है, बॉसेस इन द सेंस पाँच टीम लीडर्स है, ठीक है, और उस पाँच टीम लीडर्स का एक मैनेजर होगा। तो ऐसे ही जो है एक अच्छी खासी जो है यूनिटी ऑफ कमांड बन जाती है। और तीसरा जो है वो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे थोड़ा सा हैफजर्ड मैनर में है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये ऐसे ही लिखेंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन तीसरा जो है, इसमें क्या कहता है हेनरी फयोल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की अभी बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या, फॉर एग्जाम्पल कोई जो है इमरजेंसी के रिलेटेड होगा, तो इसमें जो बॉस है वो भी इमरजेंसी के रिलेटेड ही उसको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, और जो उसके सबॉर्डिनेट्स है उसको भी। ये नहीं कि मतलब इमरजेंसी में उसको, या हम कह सकते हैं ENT, एयर नोज एंड थ्रॉट का जो है एक डिपार्टमेंट है, उसमें उन्हीं बंदों को रखना चाहिए जो कि जिनको की ट्रेनिंग दी गई हो, जिन्होंने की पढ़ा हो इसी के बारे में। ये नहीं कि कोई MBA का बंदा आएगा और वो वहाँ पर वर्क करेगा, नहीं। तो यही जो है हेनरी फयोल ने कहा था यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होनी चाहिए, एक अच्छा खासा वही होना चाहिए, एक जो कि मतलब जब सेम ऑब्जेक्टिव्स होंगे तो उन सेम ऑब्जेक्टिव्स को खाली एक हेड होना चाहिए, और उस हेड के अंडर वही बंदे होने चाहिए, वही वर्कर्स होने चाहिए जिनकी की सेम वैसी ट्रेनिंग दी गई होगी। अच्छा, फोर्थ जो है वो है स्केलर चेन ऑफ कमांड, इट इज़ द चेन ऑफ सुपीरियर्स रेंजिंग फ्रॉम द अल्टीमेट अथॉरिटी टू द लोवेस्ट रैंक्स, ठीक है। लोअर लेवल मैनेजर्स शुड ऑलवेज कीप अपर लेवल मैनेजर्स इन्फॉर्म्ड ऑफ देयर वर्क एक्टिविटीज, द एग्जिस्टेंस ऑफ स्केलर चेन ऑफ कमांड इज नेसेसरी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू बी सक्सेसफुल। जहां तक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो स्केलर चेन ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है, जो लो लेवल ऑफ एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है, जो वर्कर्स होते हैं, जैसे कि मैंने अभी सिंपल एग्जांपल दी, आठ वर्कर्स का ग्रुप होता है, तो ये किसको रिपोर्ट करते हैं, ये करते हैं अपने टीम लीडर को। तो फिर ऐसे ही जो पांच छह ग्रुप्स होते हैं आठ आठ मेंबर्स के, उनके पांच छह टीम लीड्स होते हैं, तो फिर वो पांच छह टीम लीडर्स किसको रिप्लाई करते हैं, वो कर देते हैं अपने मैनेजर को। तो जो उस मैनेजर के ऊपर होता है वो होता है फॉर एग्जाम्पल सीनियर मैनेजर, तो वो सीनियर मैनेजर, तो वो पांच छह ग्रुप मैनेजर्स का जो होता है वो सीनियर मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं, और जो फिर वो सीनियर मैनेजर पांच छह होते हैं वो किसको रिपोर्ट करते हैं, वो करते हैं जनरल मैनेजर को। तो ऐसे ही ये जो है एक स्केलर चेन ऑफ कमांड होती है, इससे जो है अच्छा खासा एक कमांड रह जाता है, अच्छा खासा जो है रिजल्ट ओरिएंटेड हमें दिख सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है रिजल्ट काफी सक्सेसफुल रह जाती है, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ जो है वो है डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फयोल द वर्क शुड बी डिवाइडेड अमंग इंडिविजुअल एंड ग्रुप सो दैट एफिशिएंसी विल इंक्रीज। ये नहीं कि फयोल ने क्या कहा कि ये नहीं कि आप एक ही बंदे पे ज्यादा बर्डन डालोगे, नहीं, आप काम को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए ताकि आपको अच्छे खासे रिजल्ट जो है मिल सके। सिक्स्थ जो है डिसिप्लिन, ठीक है। डिसिप्लिन इज कंपल्सरी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजर्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म देयर फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द रूल्स नॉर्म्स एंड कस्टम्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए यहाँ पे जब मैंने डिसिप्लिन की बात की, इसका ये मतलब नहीं है कि खाली सबॉर्डिनेट्स को डिसिप्लिन दिखाना है, उनको तो दिखाना ही दिखाना है, प्लस जो उनके अपर लेवल के लोग होंगे उनको भी एक डिसिप्लिन दिखाना होगा, ठीक है। ये नहीं कि गधा मजदूरी करवानी है उनको सबॉर्डिनेट से, बट उनको क्या है एक पर्टिकुलर जो सेट ऑफ नॉर्म्स है, रेगुलेशन है, रूल्स है ऑर्गेनाइजेशन के या एक हॉस्पिटल के, उनको उसी के अकॉर्डिंग उनसे काम लेना है। ये नहीं कि मतलब वो उससे अपने लिए जूते भी साफ करवाएंगे, अपने बेटे को जो है स्कूल छुड़वाएंगे, स्कूल से वापस ना लाएंगे, तो ये सब चीज़ें उसमें नहीं आएंगा, ठीक है। तो एक डिसिप्लिन जो है लोअर लेवल सबॉर्डिनेट्स को भी करना है, अपर लेवल सबॉर्डिनेट्स को भी ये काम करना ही है डिसिप्लिन का। तो जो सेवेंथ आता है वो है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एज पर दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ वन पर्सन शुड नॉट टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। व्हेन एवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट डिफर, सैटिस्फैक्ट्री एफर्ट शुड बी मेड टू रिकनसाइल देम। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊँ तो सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट क्या होता है, जब आपका एक पर्सन का इंटरेस्ट जो है हर्ट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हमने किसी हॉस्पिटल ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि अब हमें पेपर वर्क नहीं करना है, अब हमें कंप्यूटर या लैपटॉप पे शिफ्ट होना है, क्यों, क्योंकि इससे हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। तो एक दो बंदे हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट 100 एम्प्लॉइज है, एक दो बंदे हैं उसमें,
क्योंकि बहुत ही अच्छा गोल है, एक दो बंदे हैं वो उससे कंफर्टेबल नहीं है, मे बी वो इस चेंज के लिए तैयार नहीं है, बट 98 बंदे तो है तैयार इस चीज़ के लिए। तो उन दो बंदों को क्या करना है, उनको अपने जो इंटरेस्ट है उनको ख़त्म करना है, ठीक है, उनको अपने उन इंटरेस्ट्स को जो है ख़त्म करना है, क्योंकि वहाँ पे मेजॉरिटी जो है और कंपनी का जो है, कंपनी का ज़्यादा फायदा जो है इसी चीज़ से हो रहा है कि वो मॉडर्नाइज हो जाए। तो वहाँ पे क्या, इसी का मतलब होता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अच्छा, जो एट्थ आता है वो आता है रेम्यूनरेशन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एम्प्लॉई शुड बी पेड फेयरली एंड इक्विटेबली। डिफरेंशियल्स इन रेम्यूनरेशन शुड बी बेस्ड ऑन जॉब डिफरेंशियल्स इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ द एम्प्लॉई एप्लीकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्किंग कंडीशंस एंड डिफिकल्टीज ऑफ द जॉब। तो रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हेनरी फ्यूल ने क्या कहा, हेनरी फ्यूल ने कहा कि एम्प्लॉयज़ को जो है आपको पे करना चाहिए फेयरली एंड इक्विटेबली। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई क्लास फोर्थ है तो इस क्लास फोर्थ को जो है वही पे मिलना चाहिए जो हर किसी क्लास फोर्थ को मिलेगा। ये नहीं कि ये एक क्लास फोर्थ मेरा रिश्तेदार है तो मैं इसको अच्छा पे दूंगा, दूसरा क्लास फोर्थ मेरा कुछ नहीं लगता तो मैं इसको कम पे दूंगा, ये नहीं है। तो हर किसी, फॉर एग्जांपल आपका कोई असिस्टेंट रजिस्ट्रार है तो उसको सेम पे मिलना चाहिए, अच्छा कोई एचओडी है तो उसको वही पे मिलना चाहिए जो बाकी एचओडीज को मिलता है, ये नहीं कि एक एचओडी को कम मिलेगा दूसरे एचओडी को ज़्यादा। तो ये चीज़ें जो है हेनरी फ्यूल ने रेम्यूनरेशन प्रिंसिपल में कहा है, ठीक है। तो हमारे कितने अभी कंप्लीट हो गए, 8 कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, और जो 9th है वो है सेंट्रलाइजेशन। सिंपली अगर मैं आपको बता दूं, सेंट्रलाइजेशन इन अ मैनेजमेंट मींस टू डिक्रीज द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट्स इन द डिसीजन मेकिंग, ओके। ऑन द अदर हैंड डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू इंक्रीज द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट्स इन डिसीजन मेकिंग। देयर इज अ नीड टू हैव अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो हेनरी फ्यूल ने क्या कहा, पहले मैं आपको बता दूं सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब आप अपनी सबऑर्डिनेट्स का जो रोल है उनको खत्म कर देते हैं या कम कर देते हैं एज फार एज डिसीजन मेकिंग इज कंसर्न। या डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन वो होता है जब आप अपने सबऑर्डिनेट्स का रोल जो है इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं as far as decision making is concerned, ठीक है। तो ये जो है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंस है। अच्छा, हेनरी फ्यूल ने क्या कहा था, हेनरी फ्यूल ने कहा था कि हमें एक प्रॉपर बैलेंस रखनी चाहिए और हमें ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे हमें अपने सबऑर्डिनेट्स को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना चाहिए और कहाँ पे नहीं। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा होगा, कोई बजट के रिलेटेड कोई चीज़ होगा तो हमें पूछना चाहिए अपने सबऑर्डिनेट्स से, उनसे भी क्वेरीज वगैरह पूछनी चाहिए। या कोई ऐसी इंपॉर्टेंट जो है चीज़ें जो जिसमें हमें लगता है कि हमें सबऑर्डिनेट्स की से पूछने की जरूरत नहीं है तो वहाँ पे हमें सबऑर्डिनेट्स को स्किप करना चाहिए, उनसे हमें नहीं पूछना चाहिए, ठीक है। तो ये हेनरी फ्यूल का 9th प्रिंसिपल है। और 10th प्रिंसिपल जो है वो है ऑर्डर। दिस प्रिंसिपल रिक्वायर्स द ऑर्डरली ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लेसमेंट ऑफ मैन मशीनरी एंड अदर सोर्सेज। मिसप्लेसमेंट विल लीड टू मिसयूज एंड डिसऑर्डर। तो ऑर्डर का मतलब एज फार एज हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न क्या हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि हमें जो है, हेनरी फ्यूल ने क्या कहा, हमें जो है अपने मैन मशीनरी और अदर रिसोर्स जो है उनको प्लेस करना चाहिए बिल्कुल सही सही जगह पे। फॉर एग्जांपल कोई इमरजेंसी वार्ड है तो हम वहाँ पे उठाएंगे और एक्सरे मशीन रखेंगे, क्या ये सही रहेगा, नहीं रहेगा। अच्छा, कोई फॉर एग्जांपल हमने एक्सरे वार्ड में हमने हार्ट का सामान रख दिया और हार्ट के वार्ड में हमने जो है एक्सरे का सामान रख दिया, क्या ये सही रहेगा, नहीं। इससे क्या होगा, एक तो एफिशिएंसी डिक्रीज होगी, दूसरा हमारा जो है मशीनरी भी वेस्ट होगा, हमारे मैन जो है उस पर काम वगैरह करेंगे वो भी वेस्ट होगा, तो इसलिए वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इसीलिए हेनरी फ्यूल ने क्या कहा, हमें एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो करना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि हमें अपने मैन के वो कैसे ज़्यादा इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज़ करना है, हमें अपनी मशीनरी और अदर रिसोर्स को कैसे एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज़ करना है। अगर हमने इसके बरक्स किया, इसके अपोजिट किया तो क्या होगा, इसका मिसयूज़ होगा और नुकसान होगा हमारा, ठीक है। तो 11th और जो है 11th प्रिंसिपल वो ये है, वो है इक्विटी। इक्विटी का मतलब ऑल मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, मैनेजर शुड बी लॉयल काइंड एंड फेयर टू ऑल हिज सबऑर्डिनेट्स। ये जैसे कि मैंने आपको सिंपल भाषा में कहूँ, इक्विटी का मतलब क्या होता है कि हर मेंबर को आपको जो है इक्वली ट्रीट करना, इक्वली इन द सेंस जब जैसे आप एक क्लास फोर्थ को ट्रीट करेंगे वैसे हर किसी क्लास फोर्थ को ट्रीट करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि अब ये नहीं कि हमें लड़ाई झगड़ा करना है, नहीं, एट द एंड दे आर ऑल्सो ह्यूमन्स, ठीक है। तो वो भी आपको काम कर रहे और वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, जैसे फाइल्स वगैरह इधर उधर करना, आपके लिए चाय वगैरह लाना, बाकी चीज़ें। तो इन शॉर्ट आपको क्या करना है, हर किसी जो अपर लेवल के मैनेजर लोग हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि काफ़ी अच्छे से वो पेश आए और इक्वली, ठीक है। इससे क्या होगा, जो वो सबऑर्डिनेट्स होंगे वो उन लोगों के लिए काफ़ी लॉयल रहेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है, काफ़ी लॉयल रहेंगे, काइंड रहेंगे, ठीक है। और जो 12th प्रिंसिपल है हेनरी फ्यूल को, वो है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल।
managers as well as non-managers need time to learn and understand their jobs, so no employee should be measured on the basis of his short-term performance. Retaining productive employees should always be high priority for the management. जैसा कि सिंपल आज हेनरी फ्यूल की ही 14 प्रिंसिपल चल रहे हैं, ठीक है। अब जो 12th प्रिंसिपल है वो है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। देखिए ये कह रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा हमें टाइम देना चाहिए, हमें शॉर्ट टर्म में ये नहीं कहना चाहिए कि ये जो है हमारा सबॉर्डिनेट है या हमारा ये वर्कर है ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, हमें शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा वेट करना चाहिए ताकि हम थोड़ा सा इस पर गौर फिक्र कर सके और देख सके क्या ये लॉन्ग टर्म में भी ऐसा ही परफॉर्म करेगा। अगर लॉन्ग टर्म में भी इसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो हमें इसको निकालना ही बेहतर है, ठीक है। डेडवुड हमें नहीं चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या हॉस्टल एज फार एज हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न। और जो हमारे लिए प्रोडक्टिव रहेंगे, ठीक है, और जो हमारे लिए प्रोडक्टिव रहेंगे, फ्रूटफुल रहेंगे, उनको हम क्या रखेंगे, उनको हम रिटेन करेंगे, ठीक है। तो यही होता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, और उसको हम अच्छा खासा स्टेबिलिटी देंगे उसके फ्यूचर का, ठीक है। तो 13th जो है वो है इनिशिएटिव। मैनेजर्स मस्ट क्रिएट एन एनवायरमेंट वेयर विच एनकरेजेस देयर सबऑर्डिनेट्स टू टेक इनिशिएटिव एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द एम्प्लॉयज। तो हमें इसमें जो हेनरी फ्यूल कहता है 13th प्रिंसिपल वो है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब क्या है हेनरी फ्यूल के अकॉर्डिंग, ये वी जो हेनरी फ्यूल कहता है कि जो अपर लेवल के लोग हैं, जो अपर लेवल मैनेजर्स है या वर्कर्स है, उनको क्या करना चाहिए, उनको जो अपने लोअर लेवल सबऑर्डिनेट्स हैं उनसे उनको कुछ मौके देने चाहिए, ठीक है, ताकि वो भी आपके साथ डिस्कस कर सके। उससे क्या होता है, वो थोड़ा सा सेटिस्फाई हो जाता है, थोड़ा सा अच्छा उनको फील होता है, उनको लगता है कि नहीं हम जो है हमारी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, ये हमें इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं और हम बदले में हम भी इसको इस ऑर्गेनाइजेशन को कुछ दे। 14th पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एस्पिरिट डी कॉर्प्स। इसमें क्या है, इसका क्या मतलब है, अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल द मैनेजर मस्ट एनकरेज द टीम स्पिरिट अमंग हिज सबऑर्डिनेट्स, इट इज द टीम स्पिरिट दैट रिजल्ट्स इन लॉयल्टी डेडिकेशन एंड कमिटमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज। तो एस्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब क्या होता है, ये हेनरी फ्यूल कहता है कि ये जो अपर लेवल मैनेजर होता है या अपर लेवल वर्कर होता है, इसको हमेशा एनकरेज करना चाहिए टीम स्पिरिट अमंग हिज सबऑर्डिनेट्स। जब तक देखिए पांच उंगलियां जब तक इकट्ठे रहेंगी हाथ की, तब तक मुट्ठी बन के रहेगी, अलग अलग जाएंगी तो खुल जाएंगी, कोई फायदा नहीं आएगा इसका। तो यही आपको हेनरी फ्यूल भी कह रहा है एस्पिरिट डी कॉर्प्स में, कि ये जो है मैनेजर को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि एक टीम स्पिरिट बनाए रखे अपने सबऑर्डिनेट्स के बीच में, एक टीम उनकी एक टीम की तरह वो खेले, एक टीम की तरह वो रहे, ठीक है। इससे क्या होगा, एक लॉयल्टी जनरेट होगी उनमें, डेडिकेशन होगी, कमिटमेंट होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा प्रोडक्टिव वो काम करेंगे। तो प्रिंसिपल्स हेनरी फ्यूल्स के 14 प्रिंसिपल्स क्या है, हेनरी फ्यूल्स के 14 प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। पहला ही है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर रिलेटेड, सेकंड है यूनिटी ऑफ कमांड, थर्ड है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, और फोर्थ जो है वो है स्केलर चेन ऑफ कमांड, फिफ्थ है डिविजन ऑफ वर्क, सिक्स्थ है डिसिप्लिन, सेवन्थ है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, एट्थ जो है वो है रेम्यूनरेशन, और नाइन्थ जो है सेंट्रलाइजेशन, टेंथ ऑर्डर, 11th जो है इक्विटी, 12th जो है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर पर्सनल, 13th जो है इनिशिएटिव, एंड 14th जो है एस्पिरिट डी कॉर्प्स। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, आप हमारे साथ जो है टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम की लिंक आपको अबाउट सेक्शन में मिलेगी, तो आप हमारे साथ वहां पे भी जुड़ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।